ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए फाउंडेशन जून 24 को अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाया। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों स्टूडेंट को अपियर करना चाहिए सितंबर एग्जाम में, इसके तीन रीजन है। दूसरा, क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए सर कि हम सितंबर पे अटेम्प्ट करें या जनवरी पे अटेम्प्ट करें, इसके पांच डिसाइडिंग फैक्टर है। मेरी पर्सनलाइज एडवाइस आपको मिलेगी और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा, मैं आपको इसमें स्पेशल सितंबर बैच के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यह आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। बहुत महापुरुष ने मेरे को एक बात बोली थी कि क्यों सोचे जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जब आप ये अभी सोच ही रहे कि चलो मैं सितंबर को छोड़ के जनवरी में दे देता हूँ, इतनी तैयारी होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आप एक चमत्कार को नमस्कार कर लो ना। जैसे मैं अभी अपने स्पेशल सितंबर की बैच की बात करने वाला हूँ, मैं 15 दिन के अंदर आपको टिप्स पे करा दूंगा पूरे 7 चैप्टर लॉ के। बहुत सोचा समझा, दिमाग लगा के डिजाइन किया हुआ बैच है डेडिकेटली खास स्पेशल सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2024 में अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए थे। कि आप अपने से अगर बैठेंगे तो 40 घंटे में आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे, बट ये मेरी गारंटी, मैं 40 घंटे के अंदर आपके टिप्स में सारी चीजें याद करवा के दे दूंगा। आप मेरे पूरी की पूरी मॉड्यूल को चाटने के बाद कंसाइज प्रिसाइज नोट्स आपके लिए मैंने बनाए, पूरा का पूरा 7 चैप्टर मात्र 100 पन्ने में कवर किया है। अब बाकी सब्जेक्ट में फोकस करिए, लॉ की जिम्मेवारी मेरे को दीजिए। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, कल क्या होगा देख लेंगे, हौसले भी जिद्दी है। हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए फाउंडेशन जून 24 को अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाया। इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूँ मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों स्टूडेंट को अपियर करना चाहिए सितंबर एग्जाम में, इसके तीन रीजन है। दूसरा, क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए सर कि हम सितंबर पे अटेम्प्ट करें या जनवरी पे अटेम्प्ट करें, इसके पांच डिसाइडिंग फैक्टर है। मेरी पर्सनलाइज एडवाइस आपको मिलेगी और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा, मैं आपको इसमें स्पेशल सितंबर बैच के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यह आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ, लगातार बच्चे मेरे पास आ रहे थे, मेरे कुछ स्टूडेंट चेन्नई के भी हैं, कोयम्बतूर के भी हैं, जिन्होंने मुझसे लेक्चर लिए थे, उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाया था। तो चेन्नई वाले स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए, कोयम्बतूर वाले भी आए, और ये दिल्ली मुंबई झारखंड उड़ीसा जितने अपने साउथ को छोड़ के स्टूडेंट है, सबका एक कॉमन था कि सर हमने आपका वीडियो देखा, रेगुलर लेक्चर लिया, हमने आपके अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया, हमने आपके वीडियो देख के उनको पढ़ाया, वो पास हो गए अच्छे मार्क्स पर, सर हम रह गए, सर हमारी क्या गलती थी, हम कहाँ गलत रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका जवाब तो आपको रेक्टिफिकेट कॉपी जो आएगी सर्टिफाइड कॉपी उस पर मिलेगा या तो आरटीआई, बट जो हो गया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक शायरी देना चाहता हूँ जो मैं पहले भी आपको कहता हूँ, अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए कि वो पास हो गया और मैं फेल हो गया, उसको तो मैंने ही पढ़ाया था। तो मैं कहता हूँ अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है, सुबह सूर्य चमक रहा है, रात को चंद्रमा चमक रहा है, ऐसे ही आपका भी वक्त आएगा। कंपैरिजन से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कंपैरिजन ना करें, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे मूव ऑन करते कि इस परिस्थिति पे अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें मैंने तीन डिसाइडिंग फैक्टर्स बताए, यानी कि तीन रीजंस बताए जो आपको सितंबर में देना चाहिए, और उसके बाद आपको कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स कि भाई आपको क्यों कैसे डिसाइड करना है कि आपको सितंबर में एग्जाम देना है कि जनवरी में, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ताकि आप इसको फर्दर रेफरेंस में ले सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों सितंबर एग्जाम देना चाहिए, इसके तीन रीजन है। सबसे पहले, आप उस पोजीशन में आप अभी हो जहां पे आप इमीडिएट रीअसेसमेंट अपना कर सकते हो। इमीडिएट रीअसेसमेंट का मतलब क्या, कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है, अगर आप ईमानदारी से जून के लिए पढ़ाई किए होंगे तो कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है, सारा कुछ फ्रेश है, क्योंकि एक ही मैंने तो हुआ एग्जाम के लिए, आपके में सिर्फ धूल जमी है, आपको पॉलिश करनी है। तो आप इमीडिएट रीअसेसमेंट करो, भाई मैं तुरंत कॉलेज रिटेन कर सकता हूँ, मेरे को तुरंत फीडबैक मिल सकता है, मैं क्विकली असेस कर सकता हूँ कि मैंने जून में ऐसा क्या गलत किया था, क्यों आप पढ़े हुए हो, आप एग्जाम दिए हुए हो, आपको पता होगा कि आप कहाँ अटक रहे थे। तो ये फ्रेश है सारी चीजें, आपके कंसेप्ट फ्रेश है, आप रिकॉल कर सकते हो, आप तुरंत अपने आप को असेस कर सकते हो कि जून में आप कहाँ रॉन्ग गए थे। आज एक बच्चा मेरे पास आया था, बैठ के गया, वो बताया सर कि मैंने ऑक्शन वाले सेल में ना सेक्शन 64 की जगह 64A लिख दिया था, साला कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स उस पर भी कटा होगा, नहीं तो और ज्यादा मार्क्स आता। वो
बच्चा पास हो चुका है बट स्टिल ही नोस कि उसने कहां कहां गलती की थी। ऐसी आपको भी पता होगा कि जब एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम में लिख रहे थे तो आप कहां कहां गलती कियोगे। दूसरा फास्टर प्रोग्रेशन होगा सितंबर के लिए, यानी कि अगर आपका नॉलेज फ्रेश है, आप ईमानदारी से जून में पढ़े थे तो सितंबर के लिए आपको एग्जाम देना चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपकी आर्टिकलशिप जल्दी शुरू होगी, आप थोड़ा सा अहेड हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे नहीं सर फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं क्योंकि इस बार का रिजल्ट मेरा खराब हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत महापुरुष ने मेरे को एक बात बोली थी कि क्यों सोचे जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जब आप ये अभी सोच ही रहे कि चलो मैं सितंबर को छोड़ के जनवरी में दे देता हूँ, इतनी तैयारी होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आप एक चमत्कार को नमस्कार कर लो ना, सितंबर का अटेम्प्ट एक बार देके देख लो, मेहनत बर्बाद थोड़ी जाएगी। हो गया तो बहुत अच्छी बात, आपके जो साथ वाले पास हुए वो मई 25 में इंटर में बैठेंगे, आप सितंबर 25 में बैठोगे। और अगर नहीं हुआ तो आप वैसे भी तो जनवरी 25 देने का प्लान कर ही रहे हो ना, चमत्कार को नमस्कार करो अगर आपके कंसेप्ट फ्रेश और ईमानदारी से आपने पढ़ाई की थी तो। मोटिवेशन और मोमेंटम की बात करो, बर्नआउट को अवॉइड करो कि चल भाई कोई बात नहीं जनवरी में अच्छे से करके दूंगा, अरे आपने जून में भी अच्छे से तैयारी की थी। प्रोकेस्टिनेशन मत करो, इससे मोटिवेशन कम होता है, आप रिलैक्स हो जाओगे कि चल अभी जनवरी का टाइम है आराम से करेंगे। दिस इज द टाइम, अगर आपकी तैयारी अच्छी थी फिगर आउट करो कहाँ गलत थे और आपको ये एग्जाम देना चाहिए। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होगा, तुरंत टर्न अराउंड हो जाओगे आप साइकोलॉजिकली क्योंकि अभी आपके कंसेप्ट आपका फ्रेश है, तुरंत टर्न अराउंड हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, जो फटाफट जीवन में आगे बढ़ता हूँ। वॉट आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि सेप्टेम्बर और जनवरी मेरे को देना क्या करो, सबसे पहले आपकी करंट प्रिपरेशन को देखो कि कैसा है। सबसे पहले अपने आप को देखो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर आपको लगता है कि फोकस्ड रिवीजन के साथ आप सितंबर अटेम्प्ट में बैठ सकते हो तो सितंबर आपके लिए वायबल ऑप्शन है। सर मैं कैसे समझूं कि मेरी करंट हालत क्या है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ चारों पेपर के एक एक मॉक टेस्ट उठाओ, थोड़ा सा पढ़ के दो या रैंडम दे दो और अपने आप का आंकलन करो कि आप कौन सी पोजिशन में खड़े हो। अगर उस मॉक टेस्ट पेपर में आपके मार्क्स ऐसे आ रहे कि सेफ एंड में जा रहे हैं इसका मतलब आप तैयार हो, आप सितंबर अटेम्प्ट दे सकते हो। दूसरा टाइम अवेलेबिलिटी देखो, कई लोगों की जो सेटिंग कैपेसिटी होती है ना वो ज्यादा नहीं होती, वो एक साथ जल्दी से पढ़ नहीं पाते, तो क्या आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि एक ही महीना बचा है, एक महीने के अंदर आपको खट से सारी चीज देनी है, तो टाइम दे सकते हो, क्या तपस्या कर सकते हो तो सितंबर आपके लिए। आपके अगर अदर कमिटमेंट्स है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते रहते हैं या फैमिली का कुछ कमिटमेंट होता है, कुछ ऑब्लिगेशन होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आप जनवरी जा सकते हो। मैं साइकोलॉजिकल रेडीनेस की अगर बात करूं, भाई साहब क्या आपका शरीर, क्या आपका दिमाग रेडी है सितंबर के लिए, एक महीने के अंदर एकदम जी जान से पढ़ाई करके अपने आप का टाइम बचाने की अगर रेडी है, पॉजिटिव हो तो आप इसको सितंबर में देना, अन्यथा आप जनवरी में दोगे। मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करना चाहता हूँ, क्या आपको एक बेटर सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, क्या आपको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, कोचिंग ऐसी मिल रही है। जैसे मैं अभी अपने स्पेशल सितंबर की बैच की बात करने वाला हूं, मैं 15 दिन के अंदर आपको टिप्स पे करा दूंगा पूरे 7 चैप्टर लॉ के। अगर आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, आपके अगर पीयर सपोर्ट है, पीयर सपोर्ट यानी कि आपके इर्द गिर्द और भी लोग हैं जो सितंबर में आपके साथ एग्जाम देने के तैयार है, एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ भाई कैसे तू पढ़ रहा है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, दुख सुख का साथ ही मिलेगा। अगर ऐसा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल, एक मेंटर अवेलेबल, एक पीयर सपोर्ट अवेलेबल है, आप सितंबर के लिए तैयार है। पास्ट परफॉर्मेंस अपना देखो, प्रीवियस स्कोर आपका देखो, क्या प्रीवियस स्कोर आपका नियर बाय पासिंग था, 200 पासिंग होता है, क्या 150 के आसपास आपका पासिंग था, अगर हाँ भाई सितंबर आपके लिए, अगर 150 के नीचे था सितंबर आपके लिए नहीं है, आप जाइए जनवरी के लिए। मिस्टेक देखो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकालो कहाँ कहाँ तकलीफ आई थी, अपनी अंतरात्मा में जाकर आपको ये बात पता रहेगी कि आप कहाँ पे गलत थे एग्जाम देने वक्त, वो अंडरस्टैंडिंग निकालो और आगे बढ़ो फर्स्ट परफॉर्मेंस की फैक्टर्स को देखते हुए। अब मेरी एडवाइस है सितंबर अटेम्प्ट उसको देना चाहिए अगर कोई फोकस इंटेंसिव रिविजन के साथ उसको विश्वास है कि यार वो निकाल लेगा, मोमेंटम बना हुआ है, सितंबर आपके लिए है। जैसे कि मैं अभी 15 दिन के बैच के बारे से बताने वाला हूँ, उससे लगता है अगर आपको यार लॉ तो क्या सर ने करा दिया एकदम 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, बस आपके लिए सितंबर है। आपको लगता है कि आपको थोरली प्रिपरेशन करनी, आपका 150 के नीचे मार्क्स था, आपको जाना चाहिए कहाँ जनवरी अटेम्प्ट में। फटाफट मैं आता हूँ अपने सी ए फाउंडेशन लॉ स्पेशल सितंबर बैच के बारे से बताना चाहता हूँ। बहुत सोचा समझा, दिमाग लगा के डिजाइन किया हुआ बैच है, डेडिकेटली खास स्पेशल सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2024 में अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए थे। ये बैच कोई नया है, फ्रेशर है, आज तक नहीं पढ़ा वो भी देख सकता है, आप एक बार एग्जाम दे चुके हो कहीं और से कोचिंग क्लास ली हो आप भी दे सकते हो, अरे आपका सेकेंड अटेम्प्ट होगा आपने कहीं और से पढ़ा था आप इसको दे सकते हो। डेडिकेटेड स्पेशल सितंबर बैच है, टाइम सेवर बैच है, 100% लाइव बैच है, सातों के सातों चैप्टर लाइव पढ़ाऊंगा,
लाइव क्लास मिस गई तो बैकअप अवेलेबल रहेगा, 40 घंटे के अंदर मैं आपको सिलेबस खत्म करवा दूंगा। ये बात मैं जानता हूं ये बहुत कठिन होगा आप लोगों के लिए कि आप अपने से अगर बैठेंगे तो 40 घंटे में आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे, बट ये मेरी गारंटी है, मैं 40 घंटे के अंदर आपके टिप्स में सारी चीजें आप करवा के दे दूंगा। आप मेरे पुराने एक्सपीरियंस ले सकते हैं मेरे स्टूडेंट से जो मेरे से ऑलरेडी पढ़े हुए। 40 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर मी, डेडिकेटली आपके लिए इसको डिजाइन किया गया है। 40 घंटे में पूरा का पूरा 7 चैप्टर आपके टंग पे करवा दूंगा। 15 दिन का ये बैच रहेगा, 2.5 से 3 घंटे में रोज क्लास लूंगा, क्योंकि ये सितंबर वाला अटेम्प्ट है, मेरे को 2.5 से 3 घंटे लेने की मजबूरी है, बट ट्रस्ट मी 40 घंटे और टंग पे लेक्चर करवा के दूंगा। टंग पे सारे सेक्शन रहेंगे। 8 अगस्त से बैच शुरू है, 11:30 से इसका टाइम शुरू होगा, 2 हार्ड कॉपी नोट्स, और यही से यहाँ पे यूएसपी शुरू होती है कि सर 40 घंटे में कैसे खत्म होगा। पूरी की पूरी मॉड्यूल को चाटने के बाद कंसाइज प्रिसाइज नोट्स आपके लिए मैंने बनाए, पूरा का पूरा 7 चैप्टर मात्र 100 पन्ने में कवर किया। ट्रस्ट मी इसमें मॉड्यूल का एक तिनका नहीं छूटा है, इसकी अश्योरेंस मैं देता हूं। पूरा का पूरा 7 चैप्टर 100 पेजेस में है, जहां पे भी टेक्निकल, जैसे एजेंसी वाला जो चैप्टर होता है ना, एजेंसी वाला जो टॉपिक है बहुत टेक्निकल है, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको इतना इजी कर दिया जिसकी सीमा नहीं। नेगोशिएबल में पॉइंट पॉइंट में बच्चों को पॉइंट तकलीफ आती है, इतना इजी और एग्जांपल डाल दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां पे दिमाग लगाने की बात हो चार्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, 100 पेजेस और आपका पूरा का पूरा 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंप्लीट कवरेज है मॉड्यूल का, टेक्निकल टॉपिक बहुत इजी कर दिया, एग्जांपल डाल दिए। बताना चाहता हूं बुलसाई का सेकंड एडिशन आ गया लेटेस्ट, मैंने खास तौर पर इसको अपडेट किया डेडिकेटली फॉर सितंबर बैच। इसके अंदर आपका जून 24 का भी एमटीपी आरटीपी सब है, ए टू जेड सारी चीजें, मई 18 से लेके पूरा का पूरा जून 24 तक जितने इंस्टीट्यूट के एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम पेपर है सब है, और एडिशनली मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैंने वो भी डाला है। मैं आपको बुक भी अभी बहुत जल्द दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहिए। सारे क्वेश्चन आईसीआई के इस पे कवर रहेंगे, एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 40 घंटे का बैच है, मैं आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और बताना चाहता हूं इस पे 2 फुल टेस्ट मैं आपके लूंगा, पूरे 2 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट पूरे 7 चैप्टर के, ताकि मैं आपको फीडबैक दे पाऊं कि आपकी तैयारी में और क्या क्या सुधार करना है। सपोर्ट की अगर बात करूं, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनेगा आप सब लोगों के लिए जो सितंबर को टारगेट कर रहे हैं, इसमें मैं खुद ऐड रहूंगा, ये ओपन ग्रुप रहेगा जहां जिसको जो सपोर्ट रखेगा हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फैकल्टी सपोर्ट मैं अलग दिलवाऊंगा, क्योंकि ये लॉ का बैच है, अगर आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, आपको इको में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई मैथ्स में दिक्कत आ रही है, अकाउंट्स और इको के लिए मैं आपको हार्दिक मनचंदा सर अवेलेबल करवाऊंगा काउंसलर के लिए। और रही बात मैथ्स के लिए, हमारे पास फैकल्टी है जो आपको मैथ्स के लिए भी गाइडेंस करेंगे। तो इस वीडियो इस ग्रुप के अंदर आपको लॉ का सपोर्ट तो मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं 3 फैकल्टी 2 फैकल्टी और ऐड करूंगा जो आपको और किसी सब्जेक्ट में भी दिक्कत है तो उस पर हेल्प करके लेंगे। मैं आपको बुक जल्द दिखाऊंगा, ध्यान से मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। अब सवाल आता है सर इस बैच के अंदर हम क्यों एनरोल करें। सबसे पहले फोकस्ड और इंटेंसिव प्रिपरेशन कराऊंगा, आप खुद सोचो क्या 40 घंटे में आप खुद से कर सकते हो क्या। नहीं, मैं 40 घंटे में कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। कॉमन वीकनेस मेरे को पता है, बच्चा कहाँ कहाँ तकलीफ पाता है, कॉमन वीकनेस मैंने एड्रेस करके रखी भी कि यहाँ पे मेरे को फोकस तरीके से रिवीजन कराना है, यहाँ पे वो भूलना ही नहीं चाहिए। दूसरा भाई, पिछले कितने सालों से लॉ पढ़ा रहा हूँ भाई, लॉ को ही खाता हूँ, लॉ को ही जीता हूँ। बहुत लोगों को ऐसे टेलर मेड सर्विस देके उनको लास्ट मोमेंट में सपोर्ट करके पास करवाए, अरे मेरे वन डे रिविजन के गाइडेंस से कई लोग पास हुए, तो आराम से आपको 40 घंटे में तो मैं पास कराऊंगा। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम रहेगा, स्ट्रक्चर्ड प्लान है, 15 दिन आपको देना है, 40 घंटे के अंदर मैं आपकी चीजें करा दूंगा, आप बाकी सब्जेक्ट में फोकस करिए, लॉ की जिम्मेवारी मेरे को दीजिए। हाई इल्ड रहेगा, 15 दिन में आपका पूरे लॉ की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, आप बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, 15 दिन मेरे को लॉ का दीजिए, मैं लॉ आपका 15 दिन में क्लियर करवा दूंगा। स्पेशल सपोर्ट रहेगा, रिसोर्स रहेगा, जैसे आपको मैंने बताया कस्टमाइज स्टडी मटेरियल है, 100 पेजेस में पूरा कंसेप्ट क्लियर है, यही अभी पढ़ना है, यही एग्जाम में पढ़ना है, और बोल सके क्वेश्चन बैंक को दे रहा हूँ, उसके बाहर से कभी कुछ आया भी नहीं है, आप पिछले एक्सपीरियंस से सारी चीज को जानते हैं। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाऊं तो भाई साहब देखो, ये हमारे रिकॉर्ड है, सीए इंटर में हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 3 थे, ये उनके मार्क्स है, ये सीए फाउंडेशन के अभी के रिजल्ट है, 74 मार्क्स, 73 मार्क्स, 71 मार्क्स, ये सारे स्टूडेंट वो है जो हमसे पेड क्लास में इनरोल करके पास किए गए हैं। मैं फटाफट आगे चलता हूँ, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन रहेगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं कराऊंगा, जहां जहां आपका मॉरल डाउन होगा मैं आपको कॉन्फिडेंस भी करवा के लूंगा, एग्जाम की स्ट्रेटजीज भी बता करूंगा, वो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए, पूरा पीयर सपोर्ट आपको मिलेगा। अब आती है प्राइस की, सर प्राइस बताओ कितना करना है। भाई साहब एकदम नॉमिनल प्राइस है, 2200 रुपए में, 2200 रुपीज में आपको ये पूरा 15 दिन का 40 घंटे का बैच
इसके साथ जो मैंने दो बुक आपको बोली है कि मैंने जो अलग से बनाई जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, 100 पेजेस की बुक जिसपे चार्ट भी है, कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन बैंक अपडेटेड, और ये क्वेश्चन बैंक कलर रहेगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कलर्ड क्वेश्चन बैंक, और ये 100 पेजेस की कंसेप्ट बुक, ये मैं आपके घर पे डिलीवर करवा रहा हूँ हार्ड कॉपी के साथ है ये बैच 2200 में, 40 घंटे का बैच, दो हार्ड कॉपी के साथ, दो फुल टेस्ट इसके साथ साथ, और एग्जाम तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ये सब मैं आपको दूंगा। तो अगर ये बैच आप एनरोल करना चाहते हो इमीडिएटली, जो मैं लिंक बताऊंगा उससे एनरोल कर लेना, क्योंकि कम से कम 5 से 7 दिन बुक आपके घर पे पहुंचने के लगेगी। इसलिए मैंने बैच को 8 तारीख से शुरुआत किया कि आज अगर कोई एनरोल कर रहा है मैं 8 से बैच शुरू करूंगा, उसके पास बुक पहुंच जाए। मैं जब बैच शुरू करूंगा तो मैं कुछ इनिशियल पेजेस इन बुक्स के आपको पीडीएफ में दे दूंगा कि अगर 1-2 दिन बुक आगे पीछे हुई तो बुक आपको समय पे नहीं मिली तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक ही महीना हमारे पास बचा है और उसमें एक महीने में अपने को स्लॉट को क्लियर करना है। 5 अगस्त के बाद अगर आप इनरोल करते हो, 5 अगस्त के पहले कर लेते हो, 5 अगस्त और उसके पहले कर लेते हो तो 2200, 5 अगस्त या उसके मतलब 5 अगस्त के बाद करते हो तो इसका प्राइस हो जाएगा 2500। बहुत नॉमिनल है। बहुत लोग बोल रहे होंगे सर अगर महंगा लग रहा होगा तो मैं बता दूं क्या है, दो बुक की हार्ड कॉपी का कॉस्ट है, पैकिंग का कॉस्ट है, डिस्पैच का कॉस्ट है, मेरे को जीएसटी बियर करना पड़ेगा, टेक कॉस्ट मेरे को देना पड़ेगा, मार्केटिंग कॉस्ट इस पे रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में रहेगा। आप कैलकुलेट कर लो मैं आपको क्या दे रहा हूं और मैं क्या बचा रहा हूं। एकदम नॉमिनल है, 2200 रुपए, 15 दिन, 40 घंटे, दो हार्ड कॉपी नोट्स, दो फुल टेस्ट, आपका लॉ क्लियर। ऑप्शनल बैच में बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को जैसे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी लगती है तो मैं बताना चाहता हूँ वैसे हमारा राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो 699 का, बट अगर आप इस बैच को लेते हो स्पेशल सितंबर बैच को, आपको सिर्फ ये 499 में मिलेगा, इसकी सेपरेट कॉस्ट है। तो 2200 रुपए का ये 40 घंटे का बैच, राइटिंग प्रैक्टिस साथ में चाहते हो 20 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस है, बहुत इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस कराए 2700 में, यानी कि 40 आवर्स प्लस 20 आवर्स आपको 2700 में मिल जाएगा। अगर आप इसको 5 अगस्त के बाद करते हो तो ये हो जाएगा 2500 और ये 500 का ही रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस, बट आप दोनों लोगे तो 3000 का पड़ेगा। बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखी क्योंकि मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ओनली पर्पस ऑफ दिस बैच इज टू सर्व यू, बहुत ही कुछ मेरे को इसमें मिलने वाला नहीं है, बट द पॉइंट इज कि मेरे को आपका सितंबर क्लियर करा के लेना है। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट फेल हुए तो मैं चाहता हूँ ये बैच जिसको जरूरत है आप उसको शेयर भी करेंगे। डेमो लेक्चर्स की अगर बात करूँ, कोई अगर नया मुझे देख रहा होगा, रेगुलर बैच का डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, आइडिया के लिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे एग्जाम ओरिएंटेड का डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, सर ये क्या चीज है, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई ये दो अलग चीज है। ये तब एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम लाए थे कि जब जो दिसंबर वाला बच्चा फेल हुआ था दिसंबर 23 का, तो हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाया था उनको जून 24 के लिए, तो ये 80 घंटे का बैच था। बट अभी जो मैं बैच की बात कर रहा हूँ भाई साहब, ये डेडिकेटेड स्पेशल सितंबर बैच है, टाइम सेवर, यहाँ पे अपन ने अलग तरीके से पढ़ाया था क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो ये आप डेमो लेक्चर आईडी के लिए देख सकते हो कि अपन कैसा पढ़ाता है, अगर कोई नया हो तो पुराने वाले को तो पता है। ये हमारे रिव्यू है, 101 मार्क्स का पेपर आया था जून में, जो पेपर आया था हमारे मटेरियल से 101 मार्क्स का पेपर आया था। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो लिंक में क्लिक कर लेना, आपको सबूत के साथ सारी चीजें मिल जाएगी। ये हमारे राइटिंग प्रैक्टिस बैच का रिव्यू है, लिंक में क्लिक करोगे आपको रिव्यू मिल जाएगा। और ये हमारा रिजल्ट है जून 2024 का, अगर आपको हमारे जून 24 का रिजल्ट देखना है डिटेल में बच्चों के मैसेज के साथ, आप यहां देख सकते हो। सर एनरोल अपने को कैसे करना है तो मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशल सितंबर बैच के लिए ये लिंक है, एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर फिलहाल आपके लिए काम करनी है। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो डेडिकेटली सितंबर बैच के लिए अगर ये आपको एनरोल करना है तो इस लिंक में आप क्लिक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस बैच के संबंध में, यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा मेरी टीम के साथ लाइव चैट में कनेक्ट हो जाओ, कॉल कर सकते हो आप डायरेक्ट, या तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ऑफिस टाइमिंग हमारा 10:30 से 6:30 का है, संडे और पब्लिक हॉलीडे में हमारा ऑफिस बंद होता है। कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जाते जाते एक शायरी के साथ इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, फिर आपको एक बार नोट्स दिखाऊंगा। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, कल क्या होगा देख लेंगे, हौसले भी जिद्दी है, तो मैं आपका हौसला बढ़ाने आया हूँ, हम भी जिद्दी है। जाते जाते नोट दिखा के जाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे नोट्स रहेंगे, मैं पूरे के पूरे 100 पेजेस तो आपको भी नहीं दिखा सकता। मेरे पास जब फिजिकल बुक्स प्रिंट होकर आएगी जो आज शाम को ही आने वाली, मैं आपको एक बार वापस सेट का स्टार्ट डेमो डाल दूंगा, बुक का भी ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो भी कनेक्टेड सेक्शन है, जैसे ये गारंटी वाले बड़े कंफ्यूजन करते हैं, पूरा का पूरा इसको चार्ट फॉर्मेट में सजा के रखा हुआ है, पूरा का पूरा चार्ट फॉर्मेट, जहां जहां आपको लगता है कि ना एक ही बात हर जगह कर रही है उसको चार्ट में इतना अच्छे से सेपरेट किया कि आपको एग्जाम में तुरंत याद आएगा। और बताना चाहता हूँ बच्चे लोग एजेंसी में भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है। आप अगर देखोगे एजेंसी का आप मैच कर लो अपनी मॉड्यूल पर, ये कर लो, एक एक लाइन पे सारे एजेंसी के जबरदस्त तरीके से फ्रेम करके रखा है सिंपल लैंग्वेज में, इससे सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी।
जहां जहां पे भी एजेंसी का टेक्निकल टॉपिक है वहां पे भर भर के अपन ने बीच बीच में एग्जाम्पल डाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल, आप मॉड्यूल पे देखोगे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल वे पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट यहाँ पर कि भाई यही 100 पेज से पढ़ना और यही 100 पेज आपको एग्जाम की तैयारी के वक्त पढ़ना, इसे ही आपको रिविजन करना है। क्वेश्चन बैंक आपने बोल सा मेरी ऑलरेडी देखी हुई है, एक नंबर है, उस पे मैंने और भी क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले थे सब अपडेट कर दिए। तो ये दोनों बुक जिस पे क्वेश्चन बैंक कलर मिलेगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, आपके घर पे आएगा, 40 घंटे का लेक्चर, 15 दिन, 2 फुल टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ की जिम्मेदारी मेरी, ओनली एट ₹2200। आई होप ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप बढ़ चढ़ के इसमें एनरोल करोगे। जिस भी व्यक्ति को इस बैच की जरूरत है आप प्लीज उसके साथ शेयर करिए और इस बार कमेंट करके जाइएगा अब की बार 300 बार। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं लाइव बैच में।